बाइडेन ने संकेत दिया कि उनकी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात हो सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के आसमान में संदिग्ध चीजें दिखना है, क्योंकि अमेरिका इसे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि बाइडेन दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो चीन को डराकर भी रखना चाहते हैं और उससे करीबी भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने चीन के गुब्बारे के मुद्दे पर शी जिनपिंग की बखिया उधेड़ने की चेतावनी दी, दूसरी तरफ उन्होंने बयान दिया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो एक नई कोल्ड वॉर नहीं चाहते। यानी बाइडेन चाहते हैं कि चित भी उनकी हो और पट भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर चीन के साथ अमेरिका की जंग छिड़ी तो चीन की मदद के लिए रूस जरूर आगे आएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस और अमेरिका की दुश्मनी है, जो यूक्रेन जंग की वजह से परवान चढ़ी, और पुतिन और बाइडेन ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला। लेकिन अब बात पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग की है, जिनसे अमेरिका खट्टा मीठा रिश्ता बनाना चाहता है। कम से कम बाइडेन के पिछले कुछ बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कभी बाइडेन चीन को घेरने की तैयारी करते हैं और कभी वो कहते हैं कि उनको चीन के साथ कोई कोल्ड वॉर नहीं चाहिए। यही नहीं, बाइडेन को ये तक उम्मीद है कि जासूसी गुब्बारे और संदिग्ध चीजों के मामले में चीन अमेरिका की मदद कर सकता है और वो मामले की तह तक जा सकते हैं। बाइडेन ये तक बोल गए कि इस महीने अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र में दिखी संदिग्ध चीजों का चीन के बलून प्रोग्राम से संबंध का कोई सबूत नहीं मिला, और हो सकता है कि वो किसी निजी कंपनी या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हो। लेकिन अमेरिका इस मामले की तह तक जाना चाहता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि असल में वो चीजें गुब्बारे ही थी या फिर कुछ और। हालांकि 4 फरवरी को जो गुब्बारा दिखा था वो चीन का ही था, क्योंकि ये बात खुद चीन ने मानी थी और कहा था कि वो उसके मौसम विभाग का गुब्बारा था। लेकिन बाकी की 3 चीजों का चीन से कनेक्शन होने का कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है। यही वजह रही कि अमेरिका बिना सबूत के चीन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। उल्टा बाइडेन को लगता है कि इस काम में चीन उनकी मदद करेगा। मतलब बाइडेन चीन से खुलकर लड़ने से पहले ये पक्का करना चाहते हैं कि वो चीजें थीं तो थीं क्या, और उन्हें किसने भेजा था। क्योंकि बाइडेन माने या न माने, यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका ना सीधी वॉर लड़ने की स्थिति में है और ना ही कोल्ड वॉर, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि कोल्ड वॉर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे चीन केवल अमेरिकी सेना का नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर भी उसका नुकसान कर सकता है। इधर दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन दोनों मांगों को मान लिया जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और 24 घंटे के अंदर एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की पहली बैठक में मेयर का चुनाव कराने और उसमें मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं देने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। उधर तुर्की के गाजियांटेप में भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती ने एक भारी भरकम ट्रेन को भी पलट दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया। तुर्की में 6 फरवरी को एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे, जिससे तुर्की के कई शहर खंडहर में बदल गए। वहां हजारों लोगों की जान चली गई। और इसी तबाही के बीच गाजियांटेप में एक ट्रेन भी पटरी से नीचे उतरकर पलट गई। जब वहां भूकंप आया तो ये ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अचानक भूकंप आने से ट्रेन का संतुलन बिगड़ा और उसके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। डीरेल हो चुकी इस ट्रेन को वापस पटरियों पर लाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए एक क्रेन और दूसरी मशीनों की मदद ली गई। ऐसे में राहत बचाव के काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे उस ट्रेन के डिब्बों को उठाकर वापस पटरियों पर रखा।